हेलो दोस्तों, आपने वेब 3.0 का नाम जरूर सुना होगा। इसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है। कुछ का कहना है कि वेब 3.0 से आने से इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल ही बदल जाएगा। कुछ लोग इसे मेटावर्स भी बताते हैं और कुछ का कहना है कि इससे इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, इसे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन आखिर सवाल है कि वेब 3.0 है क्या? तो इसे समझने के लिए हमें गाड़ी थोड़ी रिवर्स जानी होगी। इससे पहले आपको वेब 1.0 और वेब 2.0 को बारे में बताना होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में जाए। बात है 1989 की, जब वेब 1.0 आया था। 32 साल पहले 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की शुरुआत हुई। तब इंटरनेट मौजूदा इंटरनेट से काफ़ी अलग था। तब सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको इंटरनेट पर जानकारियां मिलती थी। इसी को वेब 1.0 कहा जा सकता है। इसके बाद वेब 2.0 की शुरुआत हुई, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वही। मौजूदा इंटरनेट इस तरह से कंट्रोल होता है और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। इंटरनेट का ज़्यादातर कंटेंट हम गूगल के जरिए सर्च करते हैं। गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और इनमें प्राइवेट कंपनी के पास आपका डेटा पहुंच जाता है। वेब 3.0 क्या है? वेब 2.0 का एडवांस वर्जन है वेब 3.0। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप कर कोई भी कंपनी का कंट्रोल नहीं रह पाएगा। वेब 3.0 में कोई भी कंपनी एक कंपनी नहीं होगी, बल्कि हर यूजर को अपने कंटेंट का मालिक होगा। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि इन दिनों गूगल चाहे तो अपने सर्च इंजन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। जैसे कि सर्च इंजन में वो अपनी मनमानी कर सकता है। इसके ऊपर कई बार रिजल्ट पर गड़बड़ी करने का भी आरोप है। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया और सर्च करते ही गूगल पर आपको पहली लिंक या दूसरी लिंक वो मैनिपुलेट किया जा सकता है और गूगल इसका चार्ज करता है, ऐसे वो पैसा कमा। वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित है और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन भी उनके ऊपर आधारित है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब होता है कि आपके पैसे किसी बैंक में नहीं होते, नॉर्मल करेंसी के बैंक में रखी जाती है। ऐसे में जब बैंक डूबता है तो आपकी करेंसी भी डूब जाती है। इनमें कई लोगों का नुकसान होता है। वेब 3.0 से आपकी लाइफ पर क्या असर होगा? वेब 3.0 आने के बाद लोगों के पास ज़्यादा पावर होंगे। आपका कंटेंट आपका ही होगा, इसके बदले आपको टोकन मिलेगा। आप अपना कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, इसके राइट आपके पास रहेंगे। अभी ऐसा नहीं। जैसे आप कोई कंटेंट फेसबुक या यूट्यूब पर कंटेंट शेयर करते हैं तो वो कंटेंट उनका हो जाता है, वो इसे अपने हिसाब से यूज करते हैं। वेब 3.0 में कोई कंपनी ये तय नहीं करेगी कि आपका कंटेंट हटाया जाए या रखा जाए। वेब 3.0 में लोग अपने डेटा को कंट्रोल कर पाएंगे और ब्लॉकचेन की तरह डेटा के किसी सेंट्रल सर्वर पर ना होकर यूजर के डिवाइस में होगा। ये एनक्रिप्टेड होगा, इसलिए कोई ये नहीं जान पाएगा कि किस यूजर का डेटा कहाँ है। वेब 3.0 को लेकर सबकी राय अलग अलग है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और ट्विटर के फाउंडर जैक डर से भी वेब 3.0 के सपोर्ट में नहीं है। मस्क का कहना है वेब 3.0 हकीकत से मार्केटिंग जैसा लगता है। हालांकि दूसरी सच्चाई ये है कि टेक वर्ल्ड में लंबे समय से वेब 3.0 पर काम चल रहा है और अगले 10 साल में ये मुमकिन है वेब 3.0 मौजूदा वेब 2.0 को रिप्लेस कर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक की है।